Guys who doesn't love Indian jewelry especially when it's super affordable and chic so i picked up these gorgeous earrings from our very own Sarojini Nagar market in Delhi uh, before the lockdown started of course so i'm going to be showing you these pieces in this video stay tuned Hi guys welcome or welcome back to my channel if you're here for the first time then welcome

Every girl, you know, goes to Sarojini Nagar because it's so famous worldwide. Okay, I have seen people outside of India discussing about Sarojini Nagar and its clothes and jewelry. So I thought today, why not uh, share some of my jewelry that i that is from uh, Sarojini Nagar? And uh, before we start the video, please make sure that you subscribe to the channel, like a lije video. And without any further ado, let's get started. आज है ना मैं सिर्फ इयर रिंग्स की बात करूंगी आई एम अ बिग साको फॉर इयर रिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है इयर रिंग्स कलेक्ट करना एवरी वेयर दर आई गो इंग्स आर वन ऑफ माई फेवरेट्स टू कलेक्ट एंड दैट टू द बिग वन द ड्रॉप इयर रिंग्स बेसिकली सो आई गुड बी शोइंग यू द फर्स्ट पेयर ऑफ झुमकीज I will wear all these uh, earrings for you by the end of the video so make sure that you watch the video until the end now let's get started with the first one uh, these are again all of the junkies that I'm going to show you are earrings are my favorites light uh, you don't even feel that you're wearing something in your ears I cannot if you've seen my previous video I've mentioned this I cannot wear anything heavy uh, it it's, gets very uncomfortable for me or Yura Kapura thread work here. You know, this is the whole thing. It's thread work, all right. Then you have these small, colorful beads here, and some golden thing going on, bronze or golden thing going on here. They're feather light, and they look so gorgeous. I've worn them with my Indian, and uh, even with my uh, short kurtis and jeans, they look so pretty. So, and all of these earrings that I'm going to show you. are not more than 50 rupees. So yeah. <laughs> okay. The next one that I'm going नेक्स्ट वन अगर शो यू इज अगेन इसमें ना मेरे पास दोनों कलर है सिल्वर भी और गोल्डन भी इसका I love how they look. <laughs> और ये मैंने हाथ में उठाया बट मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ हाथ में भी उठाया बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइट है इतना लाइट है कि जैसे इस लग रहा है थ्रेड है यू नो इट्स सो कन्वीनियंट टू वेयर और इसमें एक ये ब्यूटिफुल ये ऐसे ऐसे मूव हो जाता है बेंड हो जाता है तो यू you नो know, ऐसा है नीचे इसमें झुमकी है और यहाँ पर ऊपर इसमें ऐसे सिल्वर जैसे कुछ बीड्स दिए हुए हैं ओके okay, ये बहुत ज्यादा प्यूटी लगता है इंडियन वेयर के साथ स्पेशली एंड विद यअर कुर्तीज ऑल्सो इट लुक सो गॉर्जियस एंड अगैन यू डोंट फील दैट यूर वेरिंग एनी थिंग इन योर इयर इट लुक्स

फ्यू पिक्चर्स वेयरिंग दीज ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो माई इंस्टाग्राम आई डी इज अदिति सिंह ठाकुर वन जस्ट फॉलो मी देर एंड बी अ पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम फैमिली इज वेल अच्छा अब ये नेक्स्ट है ये तो झुमकीज हैं और ये इतनी प्रटी है न और ये सबके साथ जाती है इवन इफ यूर वेरिंग अ वाइट सूट इट लुक्स सो गोज ब्लैक के साथ एनी थिंग यू नो एनी थिंग और उसमें ऊपर इफ़ यू कैन सी देर इज़ अ पीकॉक यो कैन यू या आई ब्रिंग इट क्लोज अ यहाँ पे पीकॉक बना हुआ है एंड uh, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा था सकोफो इंट्रिकेसी तो ये मुझे ये ये चीज़ बहुत प्यारी है इसकी लगी है जिस तरह से इन्होंने इतना इंट्रिकेट वर्क किया और ये ये नीचे ना ऐसे और इनमें आवाज़ नहीं आती है थैंकफुली आवाज़ वाली नहीं है ये तो या सो अगेन एवरी फिफ्टी रुपीज और बिलो नॉट मोर देन दैट ओके शो यू आर दीज गॉजियस लेयर्ड सेट सी हाउ ब्यूटिफुल अगर आप ये चीजें ऑनलाइन खरीदने जाओगे ना तो um, दे विल कॉस्ट यूनी वेर बिटवीन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड आई डोट नई हैव नेवर परचेज दीज ऑनलाइन बट ये थ्री फोर हंड्रेड से नीचे नहीं होती हैं बट इमेजिन यू नो इफ यू गो टू सरोजनी और जनपद काइंड ऑफ प्लेसेज यू गेट दीज फॉर नॉट मोर देन फिफ्टी रुपीज सो या ये ऐसा दिखता है ये भी सुपर लाइट है आपको लग रहे होंगे बड़े हैं बट ये बहुत लाइट है यू नो एब्सिल्यूटली लाइट एंड अच्छा आप लोगों को अभी तक कौन से अच्छे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दीज एंड डू यू लाइक वेयरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे स्किन uh, um, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे एक्जिमा uh, का प्रॉब्लम है स्किन मेरा uh, बहुत सेंसिटिव है uh, तो इसलिए मैं uh, बहुत ज़्यादा देर तक ये चीज़ें नहीं पहन पाती हूँ दैट्स ट्रू बट यू नो समाइम्स जस्ट वेन यू गोइंग आउट इन द मॉर्निंग एंड कमिंग बैक In the evening, it's okay to wear them. Okay. And uh plus you can always take them off uh, whenever you feel uncomfortable. So last one, this is pretty colour pop of pink with silver looks absolutely gorgeous. Um I'm wearing a Western outfit right now and I'm wearing these with them. इट्स इंडो वेस्टर्न यू नो सी कैन ऑलवेज पेयर दीज विद योर वेस्टर्नस इज वेल एंड इंडियन के साथ तो ये जाएंगे ही ट्रेडिशनल के साथ दे लुक सुपर प्रिटी आई लव द कलर कॉम्बिनेशन योर दिल्वर एंड द हॉट पिंक कलर इट लुक्स सो गॉर्जियस राइट चलिए अब आप अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो और अगर आपको अच्छा लगा है मेक श्योर देट यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन केस इफ दे फाइंड इट यूजफुल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल click on the subscribe button it's absolutely free Chaleel, so let's do the try on of these jhumkis uh, सो दैट्स अबाउट इट फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा इंस्टाग्राम आई डी है अदिति सिंह ठाकुर वन और वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए मैं अपने बहुत सारे लाइव अपडेट्स वहाँ पर भी डालती हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टे होम एंड स्टे सेफ टेक केयर आल सी यू सून बाय बाय